नमस्कार, रफ्तार मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल कुमार और रफ्तार मीडिया पर बड़ी खबरों का समय हो चुका है। शुरुआत छत्तीसगढ़ से करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक थप्पड़ लगता है जिसकी गूंज जो है राजनीतिक गलियारों में भी अब सुनाई देने लगी है। ये थप्पड़ कोई आम आदमी मारता तो शायद किसी को पता तक नहीं चलता, लेकिन रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने बैंक के दो कर्मचारियों को झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया है। यह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो चुका है। तो कैमरे में ये तस्वीरें जो है आप साफ देख सकते हैं कि कैसे विधायक बैंक कर्मियों को पहले बुलाते हैं और एक के बाद एक थप्पड़ दे मारते हैं। यह पूरा मामला 3 अप्रैल का है। दरअसल एक दिव्यांग विधायक बृहस्पति सिंह के पास शिकायत लेकर पहुंचता था। वो काफी दिनों से बैंक के चक्कर काट रहा था, लेकिन बैंक उसके बेचे गए धान के पैसे नहीं दे रहे थे, जिससे नाराज होकर खुद बृहस्पत सिंह बैंक तक पहुंचे, जहां उन्होंने अपना आपा खो दिया और बैंक के कर्मचारियों को जमकर पीट दिया। लेकिन अब यह तुल पकड़ लिया है। यह पूरा मामला सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने मोर्चा खोलते हुए विधायक की दादागिरी के खिलाफ एफआईआर के साथ ही कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिन कर्मियों को मारा गया वो काफी डरे हुए हैं। पहले हमारे कैशियर राजेश सर को गाली ग्लोज दिए और उसके बाद मारपीट चालू किए। इसके बाद मेरे को बाहर बुलाए, गाली ग्लोज देने लगे और मारपीट करने लगे। डर बहुत ज़्यादा बना है सर, खुले शहरों में सबके सामने मारपीट जब कर रहे हैं तो अभद्र व्यवहार करने लगे। गाली ग्लोज किए, गाली ग्लोज करने के बाद तुरंत मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। मैं चाह रहा हूँ कि सुरक्षा प्रदान किया जाए, डर तो है सर मुझे। सर विधायक पेमेंट किया जा रहा था, पब्लिक की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्या है कि बोनस का सीजन चल रहा है। विधायक जी गाली गलौज करने लगे और फिर हमारे बाबू राजेश पाल जी को गार्ड को बुला के कि तुम भी यहाँ नेतागिरी कर रहे हो, तुम लोग व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे हो, हमारे कर्मचारी को मारा गया है। इस तरह से हम लोग के ऊपर दबाव डाल के जैसे भी कार्य कराया जाता है और मारपीट किया गया है, तो हम लोग को उचित कार्रवाई चाहिए। हम लोग को विधायक महोदय के ऊपर FIR चाहिए। हम लोग अनिश्चित 2 दिन का हड़ताल में जा रहे हैं और कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। पहले हमारे कैशियर राजेश सर को गाली ग्लोज दिए। तो आज से के सामने किसान जो है बेचैन बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इधर किसान बैंक कर्मी को दोषी और विधायक को सही ठहरा रहे हैं। कर्मचारियों की शिकायत दो जने पीड़ित है ना, एक जने वो कहाँ और जो विधायक जी ने हम कहे तो विधायक जी जो अध्यक्ष दिए जाए और विधायक जी में कोई गलती नहीं है तो पूरा किसान के लिए नहीं। ये वो जो स्टाफ आए बतिया चिंते विधायक जी वो सही बात बतिया, कोई गलत बात नहीं बतिया। भाई जैसा काम करेंगे वैसा तो फायदे ही लोगों है ना, वो तो कर्तव्य पर सब फल मिलता है जो पाएगा ही। कर्मचारी के रवैया ठीक नहीं है, इसीलिए तो इतना हो रहा है। तो थप्पड़ की गूंज पर बीजेपी कैसे चुप बैठती। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी विधायक को मर्यादा में रहने की नसीहत दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने इसे कांग्रेस का अंतिम समय बता दिया है। आत्मले रहे हैं, हमारी मर्यादाओं को लांघने का काम कर रहे हैं। अधिकारियों को बैंक से, बैंक के मैनेजर को, बैंक के छपरासी को बुला के जिस प्रकार सार्वजनिक रूप से झापड़ मारने की घटना हुई, ये पूरे अधिकारी वर्ग को अपमानित करने का काम है और इसके लिए वो स्ट्राइक में भी गए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के आखिरी जो 4.5 साल होने के बाद इनको लगता है कि अंत समय आ गया है, जितना आतंकित कर लें, जितना लूट करना है कर लें। हालांकि विधायक बृहस्पत सिंह का यह पहला वाक्य नहीं है, इसके पहले डिप्टी कलेक्टर से गाली गलौज भी ये साहब कर चुके हैं।
अपने वरिष्ठ मंत्री के साथ भी इनके कुछ मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अब इस पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अपने अपने रुख को साफ करने के लिए बीजेपी की तरफ से अनुप सिंह जी हमारे साथ, अनुप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस से विकास दुबे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का रफ्तार मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। और विकास दुबे जी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल है, ये चल क्या रहा है? आपके विधायक जो बृहस्पत सिंह है, क्या कर क्या रहे? योजनाओं को इंप्लीमेंट कराने के लिए क्या ये किसी अधिकारी को थप्पड़ जड़ देंगे? कहां तक सही है जी? तो हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से विकास दुबे जी से जुड़ने की, लेकिन कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा मामला है। एक विधायक जो है एक बैंक कर्मी को थप्पड़ मार देते हैं, इस पर बीजेपी से, बीजेपी का रुख का समझ लेते हैं। तो अनुप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुप जी, जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक जो है एक बैंक कर्मी को थप्पड़ मार देते हैं, ये कहां तक सही है? क्या योजनाओं को इंप्लीमेंट कराने के नाम पर क्या किसी अधिकारी को थप्पड़ मारना सही है जी? भारत के संविधान के अनुसार जी इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है जी। अगर कर्मचारी दोषी है तो उसके लिए पुलिस और कानून बना हुआ है। बिल्कुल। और ये विधायक बृहस्पति सिंह का पहला वाक्या नहीं है। बिल्कुल। सरकारी कर्मचारियों को गाली गलौज करना, मारपीट करना और मारपीट कर भयग्रस्त कर उनसे मनमानी कराना और कमीशन वसूल करना बृहस्पत सिंह का पुराना धंधा है। बिल्कुल। और कई मामले जो है उजागर नहीं हुए, सामने नहीं आए जी। और जो सामने मामला आया, तत्कालीन मामला जो है कोऑपरेटिव बैंक का है जी, किस तरह से एक दो बार का जनता का चुना हुआ विधायक अभद्र भाषा का प्रयोग, अभद्र गालियों का प्रयोग करता है, किस तरह सरेआम जो है गुंडागर्दी करता है। बिल्कुल 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 अनुप जी, इस पर हम विकास जी का एक बार फिर से रुख जान लेते हैं। विकास जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। विकास जी, कहीं ना कहीं आपने अपने विधायक की कारगुजारी देख ली है, ये सीधे तौर पर योजनाओं को इंप्लीमेंट कराने के नाम पर थप्पड़ जड़ दे रहे हैं, कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? क्या ये उम्मीद जताई जा रही है कि इन पर कोई कार्रवाई भी होगी, किसी तरह का कोई इनके ऊपर इन्हें सजा दिया जाएगा पार्टी की तरफ से? कांग्रेस जो है किसानों की पार्टी है सर जी। जी सर, और जो विधायक जी ने किसी को थप्पड़ मारा सर, उसका सिचुएशन ये था सर, 80 वर्ष का बुजुर्ग जो व्यक्ति है, जो सर हाथ से विकलांग व्यक्ति है सर, वो बैंक में जाता है, बैंक में उसको भीड़ के कारण ढकेल दिया जाता है। ढकेलने के बाद विधायक जी के पास फोन किया जाता है, फोन करने के बाद विधायक जी बोलते हैं कि बात कराइए, बात करने बैंक वाले इनकार करते हैं कि हम कोई विधायक को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते हैं। तो विकास जी ये क्या तरीका सही है कि आप योजनाओं को इंप्लीमेंट कराने के नाम पर थप्पड़ दे? क्योंकि बैंक में जो काम होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है, अब इस प्रक्रिया के तहत तो हर किसी को गुजरना पड़ता है, उसमें अगर किसी तरह से किसी को परेशानी होती है तो जी थप्पड़ मारे हैं सर जी, वो किसानों के हित में मारे हैं सर, किसानों को पैसा दिलवाने के लिए मारे हैं सर। लेकिन विकास जी कहीं ना कहीं परेशानी तो और बढ़ गई ना, क्योंकि बैंक कर्मी जो है पूरी तरीके से स्ट्राइक पर जा चुके हैं, जिसके बाद अब जो बाकी के किसान थे उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई है फिर तो जी। विकास जी, जी सर, तो इसे कैसे देखते हैं आप? किसान के हित के लिए कार्य किए सर, किसानों के लिए कार्य किए ना सर, वो सर मान लीजिए अपने घर के पेमेंट के लिए तो नहीं मारे सर। लेकिन विकास जी एक तरीका होता है ना, अगर ऐसा होता कि सामने विधायक सामने खड़े हो जाते वो, अगर तब जाकर अगर बैंक कर्मी को धमकाते वो विकास जी, तो कहीं ना कहीं बैंक कर्मी जो उनके सामने आवाज मुंह तक नहीं खोलते। अगर कोई सर कर्मचारी अगर जनप्रतिनिधि अगर फोन से बात करना चाहे, अगर फोन से कोई बात ना करे तो जनप्रतिनिधि को गुस्सा आएगा कि नहीं सर, आप बतलाइए हमको। तो अनुप जी कहीं ना कहीं आप विकास जी की बातें सुन रहे हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर जनप्रतिनिधि की बातें नहीं सुनी जाएंगी तो जनप्रतिनिधि को गुस्सा भी आ सकता है और वो थप्पड़ भी जड़ देगा, इसे कैसे देखते हैं अनुप जी आप? अब जैसा विधायक वैसा उनके कार्यकर्ता जी, कानून थाना पुलिस कोर्ट कचहरी सब बंद कर देना चाहिए और इनके कथनानुसार विधायक के हाथ में सब सौंप देना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक की समस्या कोई नई नहीं है।
बैंक में कर्मचारियों की संख्या सीमित है, उसका लेन देन का जो मापदंड है वो भी सीमित है, तो विधायक जी को 10वां साल है उनका विधायकी का जी। आज तक किसानों के लिए कोई पहल तो नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्वयं पूर्व गृह मंत्री पूर्व राज्यसभा सांसद राम विचार नेताम जी ने एक दो बार बैंक में जाकर इसी कोऑपरेटिव बैंक में और कर्मचारियों से चर्चा किया। बहुत अच्छे वातावरण में और कई जो समस्याएं थी उनके बारे में कर्मचारियों से बात किया, किसानों से बात किया और उसको दूर करने के लिए जिला स्तर के पदाधिकारी एसडीएम कलेक्टर से बात किए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कई बार एसडीएम से बात करके समस्या के निराकरण के लिए प्रयास किए। बिल्कुल 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 अनुप जी तमाम तरीके से आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक और जो सबसे अहम पहलू वो ये है कि विधायक बृहस्पत सिंह ने ये जो कदम उठाया है उसे किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं, इसको बीजेपी कैसे देखती है? क्योंकि भले दो चार बैंक कर्मी जो है नाराज हो गए हों, लेकिन किसानों में बहुत खुशी है कि उनका जो विधायक है उनके लिए हाथ तक उठाने से गुरेज नहीं कर रहा है जी। एक किसान परेशान था क्या? किसान तो रोज परेशान हो, रोज जो है 200-300 लोग वापस जा रहे थे जिनका भुगतान नहीं हो पा रहा था। शाम को बैंक बंद हो जाता था, वापस चले जाते थे, फिर 5 बजे भोर से ही बैंक के लाइन में लग जाते थे जी। तो ये तो साफ दिख रहा है ना कि विधायक जी जो है उसको फोन पर गाली गलौज किए, तो जब फोन रख दिया तो आवेश में आकर और किस तरह का नंगा नाच किए। और उसको एक आप ही लोग के किसी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका बाइट देख रहा था जी, कि वो बड़े माने अपने कारगुजारी पर बहुत हर्षोल्लासित थे। बिल्कुल, क्यों होंगे नहीं अनुप जी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें किसानों का सीधे तौर पर समर्थन जब मिल रहा है तो वो तो खुश होंगे ही ना, कि जो उनके वोटर हैं, जो उनके प्राइम वोटर हैं, मेजर वोटर्स हैं, वो उनके साथ खड़े हैं, तो वो तो खुश होंगे ही। लेकिन अनुप जी कहीं ना कहीं अब समझना जरूरी है कि इस पर विकास जी, कांग्रेस जो है इस पर क्या कुछ कह रही है। तो कहीं ना कहीं विकास जी सबसे बड़ी बात यह कि तमाम किसान जो है आपके साथ अभी भी खड़े हैं, तो आपके विधायक जो है बहुत खुश तो इसी वजह से नजर आ रहे हैं जी। जी 500 की संख्या में हमारे साथ किसान नहीं रहते सर जी। और दूसरी बात जो इन बोले कि राम विचार जी बैंक में गए थे सर, नेताम जी बैंक में गए थे तो पानी की व्यवस्था नहीं की सर, वहां पर घड़ा फोड़े सर जी बैंक में जाकर। दूसरी बात है सर, राम विचार जी भी जब नेताम जी सर मंत्री थे तो इन्होंने अपर कलेक्टर को सर थप्पड़ मारा था सर। दूसरी से जब ये विधायक से राम विचार नेताम जी तो पटवारी को सर मुंडवा कर घुमाए थे सर गधा में। तो कुल मिलाकर जो दोनों ही दल है बीजेपी और कांग्रेस जो हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ विकास जी जुड़े हुए थे, हमारे साथ अनुप जी जुड़े हुए थे बीजेपी से, तो कुल मिलाकर दोनों ही जो दल हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि इनके विधायक थप्पड़ मार रहे हैं, बीजेपी कहती है कि इनके विधायक थप्पड़ मार रहे हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे मंत्री हैं, वो पूरी कानून व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो ये नहीं समझते कि किसी भी योजना को इंप्लीमेंट कराने का एक तरीका होता है, एक जरिया होता है। वो सीधे ये सोचते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके कंट्रोल में रहे। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी जो है अगर बात नहीं सुनता तो वो हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करते हैं। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें हैं।